हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत ही सकारात्मक खबरें यहाँ पर लगातार 2-3 दिन से मिल रही हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक तो अभी लगभग आप लोग समय देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए उत्तर गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने डाला है, उत्तर प्रदेश में दोबारा शुरू होगा मिशन रोजगार, कोरोना प्रभावित 50 लाख लोगों को मिलेगा काम, पढ़े अजय त्रिवेदी की लेख। ठीक है, तो इस लेख में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में भी रोजगार को लेकर युवाओं का रोष थामने की बड़ी कवायद शुरू हो गई है। योगी सरकार एक बार फिर से मिशन रोजगार की शुरुआत करने जा रही है। केंद्रीय योजना के तहत बड़े पैमाने पर नौकरी पाए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने के साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। साथ ही प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरकारी सेवा योजना वाले प्राथमिक शिक्षा विभाग, ठीक है, साफ साफ लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग, ठीक है, में बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। ठीक है, जो प्रमुख बात है सिर्फ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, इस पर फिर से आपको एक बार देखने को मिल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर देखिए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ लगातार निकल के सामने आ रही, और भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए विशु यादव जी को लगभग वो सभी लोग जानते होंगे जिन लोगों ने पिछली बार के धरना प्रदर्शन, ठीक है, पिछले साल जो चुनाव से यूपी का जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव, उससे पहले जिन लोगों ने धरने में भाग लिया होगा वो सभी लोग जानते होंगे कि इन्होंने कितना इसमें साथ दिया था सबका। ठीक है, इन्होंने डाला था मार्च अप्रैल से पहले विभाग तैयारी कर रहा है नई शिक्षक भर्ती की, विशु यादव। ठीक है, मार्च अप्रैल, मैं बहुत दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्च अप्रैल तक भर्ती आ सकती है। 100% तो कुछ भी नहीं कह सकते इस गवर्नमेंट में। यहाँ पर फिर कुछ लोग हैं वो जो निगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, तो विशु यादव जी ने यहाँ पर जवाब जो दिया है वो लिखा है, जो सूचना विभाग से मिल रही वही साझा करता हूँ, बाकी बाबा जाने मन की बात। नकारात्मक लोग जो विरोध कर रहे हैं शायद वो भूल रहे हैं कि जब तुम घर में रजाई में घुसकर मोबाइल चला रहे थे तब मैं भर्ती के लिए लखनऊ की सड़कों पर ठंडी में आंदोलन कर रहा था, भर्ती प्रायोरिटी रहा है मेरे लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि मैं भी बहुत दिन से इनको देख रहा हूँ कि ये हमेशा सही चीज़ें ही डालते हैं। अब कल भी इन्होंने डाला था, महादेव की कृपा रही तो जो पोस्ट मैंने की थी कुछ दिन पहले उसी महीने में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो यहाँ पर मार्च अप्रैल तक के लिए इन्होंने यहाँ पर कहा है। और एक समाचार मतलब न्यूज़ चैनल आपको पता होगा, यहाँ पर देखिए TV9 उत्तर प्रदेश, इनके जो संपादक हैं वो अमिताभ अग्निहोत्री जी, ठीक है, उनको तो आप सभी लोग जानते होंगे ही कि उन्होंने हम लोगों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो मुद्दा है उसको कितनी बार उठाया है। ठीक है, इन्होंने भी इनके भी चैनल पर पहली बार ये पढ़ा है कि यूपी DLED पास छात्रों के लिए खुशखबरी, यूपी में होगी 51,000 शिक्षकों की भर्ती। तो ये मान के चलिए, देखिए विशु यादव जी ने जो बात कही उस पर थोड़ा सा भरोसा इसलिए कर सकते कि पिछले 3 सालों में इन्होंने पहली बार ये बात कही है कि यहाँ पर भर्ती निकलने वाली है। ठीक है, तो एक तो ये हो गए, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। देखिए कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि देखिए कि ये जो कोचिंग संस्थान है उनकी तरफ से ये सब करवाया जा रहा है, तो ऐसा आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी थोड़ी थोड़ी सेल्फ स्टडी करिए। कोई ज़रूरी नहीं है आप कोचिंग ज्वाइन करिए, कोचिंग मत ज्वाइन करिए, अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए। और क्योंकि अगर वैकेंसी बाई चांस आ गई तो फिर आपको फिर दूसरा मौका फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मान के चलिए ये वैकेंसी निकल गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, मार्च अप्रैल नहीं, हम कह रहे मई में आएगी, लेकिन आने की बहुत प्रबल संभावना है। अगर आप लोग मेरी बात पर थोड़ा भी भरोसा करते हैं तो थोड़ी थोड़ी सेल्फ स्टडी अपनी करते रहें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।